मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शहर इंदौर में देर रात नकाबपोश बदमाशों ने प्रॉपर्टी व्यवसाय के बंगले पर हथियारों की नोक पर दिया डकैती की वारदात को अंजाम। 5 हथियार लैस बदमाशों ने सुरक्षा वार्ड और परिवार को बंधक बनाकर घर में रखे सोने चांदी के आभूषण सहित लाखों रुपए नकदी पर किया हाथ साफ। पूरी घटना वह लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र के कंचन विहार कॉलोनी में रहने वाले बिल्डर कैलाश चंद्र गोयल के घर 5 हथियार लैस बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। वहां डकैतों ने सुरक्षा गार्ड और परिजन को बंधक बनाकर घर में रखे लाखों रुपए के सामान और सोने चांदी के आभूषण पर हाथ साफ कर लिया। बताया जा रहा है कि गोयल एक प्रॉपर्टी व्यवसायी है। उनके आलीशान बंगले के बाहर खड़े बंदूक के लिए सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि सुरक्षा कर्मी बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया। वहीं सुरक्षा कर्मी के पास रखी राइफल को भी छीन लिया। वहीं घर के अंदर सदस्यों को भी बंधक बनाया, जहां रस्सी से हाथ पैर बांध कर मुंह पे टेप लगा दिया गया था। बताया जा रहा है कि डकैती डालने गए बदमाशों ने एक फोर व्हीलर गाड़ी का भी सवाल किया था, लेकिन भागते वक्त हाईवे से एक एक्टिवा सवार को पिस्टल दिखाकर एक्टिवा लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही 6 से भी अधिक थानों का बल मौके पर पहुंचा। वहीं फेशियल और डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया था, लेकिन पुलिस को देर रात तक भी कोई सफलता हासिल नहीं हुई। पुलिस ने कुछ आसपास के संदेहियों को हिरासत में लिया है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज उनको भी खंगाला जा रहा है। घटना के वक्त सुरक्षा कर्मियों को बंदूक की नोक पर बंधक बना दे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं शहर में इतनी बड़ी वारदात की बात कॉलोनियों के रहवासी दहशत महसूस कर रहे हैं। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। फिलहाल लसूड़िया पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थाना लसूड़िया क्षेत्र के अंतर्गत जो कैलाश गोयल एक बिल्डर है, इनके यहाँ जो है एक घटना कारित हुई है, जिसमें 4-5 लोग जो है उसमें सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिए हैं, और प्रथम दृष्टया ये घटना जो है डकैती की लग रही है, और पूरे मामले की जांच जो है पुलिस कर रही है, और इसमें जो है हर प्रकार से जो है हर दृष्टिकोण से जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, और शीघ्र ही जो है जो इस घटना को जिन्होंने अंजाम दिया है उन तक पुलिस पहुंच जाएगी। सर ये नहीं है कि घटना लगभग सिटी से करीब 9-10 बजे करीब 5 बदमाश हथियारबंद घुस गए हैं और गार्ड को मार रहे हैं, बंधक बना रहे हैं, कहीं ना कहीं क्योंकि जिस तरह के फुटेज आ रहे हैं तो इन लोगों पर भी कुछ आशंकाएं हैं सर? निश्चित तौर पर पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन में हर एक एंगल खुला हुआ है। पुलिस हर दृष्टिकोण से जो है इसकी विवेचना करेगी, और जिन लोगों की भी मिली भगत इसमें शामिल होगी, जिन्होंने भी रैकी करके इस वारदात को अंजाम दिया है, उसमें उनके विरुद्ध जो है पुलिस कार्रवाई करेगी। सर इसमें हाईवे से भी एक गाड़ी को उन्होंने बंदूक दिखा करके और लेके गए हैं एक्टिवा? सभी चीजों पे जितने भी सीसीटीवी फुटेज आए हैं, जो भी चीज मिली है पुलिस को जो है उन सभी तथ्यों का पुलिस पड़ताल कर रही है, और पड़ताल में जो चीजें सामने आएंगी उसका अनुरूप। सर लगभग कितने का सामान लेके गए हैं? इसमें कुछ लाख का मशरू का सोना चांदी बताया है, उन सभी चीजों को भी पुलिस वेरीफाई कर रही है। गार्ड के आपका सिक्योरिटी गार्ड है, उससे बंदूक दिखाई गई है, बंधक बनाया गया है, क्या जानकारी मिली है आपको? सेठ का वाली आपको क्या जानकारी मिली है? जानकारी तो उसको आए तो उसको घेर लिए। किसको घेर लिए? गार्ड को। क्या नाम है इसका? कृष्णा का मिश्रा। कितने समय से ये? 5 साल। ये आपकी एजेंसी से ही है? क्या क्या नाम है आपकी एजेंसी का? सिक्योरिटी सर्विस। अच्छा, यहाँ और कितने गार्ड हैं आपके? बहुत गार्ड नहीं, यहाँ पे इस बंगले पे कितने? बस एक ही। अच्छा, क्या नाम है इनका जिनका बंगला ये? अंकेश गोयल जी। हाँ, अंकेश गोयल जी। अच्छा, और इसके अलावा क्षेत्र में कितने गार्ड चलाते हैं? अरे बहुत है, पलासिया में है, एबी रोड में है, बाईपास में है। कितने समय से चला रहे हैं एजेंसी? 5 साल हो गया, 6-7 साल हो गए। अच्छा, आपका नाम बता दीजिए। दिनेश कुमार मिश्रा। क्या है आप इसमें कंपनी में? प्रोपराइटर। कितने लोग थे? क्या थे? 5 लोग। क्या क्या हुआ था आपके? पर वह गाड़ी से उतरे। हाँ, और गाड़ी से उतरने के बाद डायरेक्ट अपने पास आ गए। अच्छा, इनके पास कोई हथियार भी थी मिश्रा जी? हथियार पर चाकू। हाँ? छोटे छोटे औजार थे। अच्छा मिश्रा जी, आपको बंधक बनाया था हमने
हाथ पैर बांधे थे, मारपीट की गई थी? जी मारपीट ही नहीं, मतलब खुल के बताइए ना क्या हुआ था, कि किस तरह से आए थे, क्या थे, कैसे दिख रहे थे? वो लंबे चौड़े दिख रहे थे, काले काले। अच्छा, किस तरह का नकाब वगैरह पहन रखा था उन्होंने? ब्लैक कलर का। कितने लोग होंगे लगभग अंदर और बाहर, कितने लोग खड़े होंगे? बस टोटल 5 लोग थे। अच्छा, ये किनका बंगला है? ये गोयल जी का। आप कितने समय से काम कर रहे हैं यहाँ पे? 4-5 साल हो गया। अच्छा, ये कोई एजेंसी से आप या डायरेक्ट हैं यहाँ पे? एजेंसी से। अच्छा, किस एजेंसी से? फोनिस्टिफिकोटी।